दोस्तों आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और YouTube बेल आइकॉन दबा कर पाए दुनिया की सारी रोचक खबरें फटाफट। थैंक यू। सलमान ने बहुत सेलिब्रिटीज को थप्पड़ मारे हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि बॉलीवुड के भाईजान भी थप्पड़ खा चुके हैं। लेकिन कौन है वो जिसने बॉलीवुड के इतने बड़े अभिनेता को थप्पड़ मार दिया? सलमान खान को थप्पड़ मारने वाला और कोई नहीं बल्कि बॉलीवुड के खलनायक संजय दत्त हैं। आपने संजय दत्त पर आधारित बायोपिक संजू का टीजर तो देख लिया होगा। अगर टीजर को ध्यान से देखेंगे तो उनमें एक सीन दिखाया गया है जिसमें संजू सलमान खान को थप्पड़ मारते नजर आ रहे हैं। अगर रियल लाइफ की बात करें तो सलमान और संजय दत्त में काफी गहरी दोस्ती है, लेकिन एक दो बार ऐसा भी हुआ है जब सलमान और संजय दत्त के बीच कहा सुनी हुई थी और बात थप्पड़ तक पहुंच गई। जब संजय दत्त को जेल हुई थी उस वक्त सलमान ने उनके बारे में कुछ बोल दिया था, इससे संजय दत्त काफी नाखुश थे और जेल से निकलते ही वो सलमान खान से मिलने गए और उनकी आपस में कहा सुनी भी हुई थी। इसके अलावा एक बार और ऐसा हुआ जब 2011 में संजय दत्त की वाइफ के जन्मदिन की पार्टी में सलमान और बंटी वालिया के बीच लड़ हो गई थी और झगड़े की सुलह करने उनकी पत्नी को आना पड़ा और इस बीच सलमान ने उनको भी बुरा भला कह दिया था और इसके बाद संजय दत्त ने दोनों को डांट लगाई। अब फिल्म में किस बात को लेकर थप्पड़ मारा गया है ये तो फिल्म के रिलीज होने पर ही पता लगेगा। फिल्म 29 जून 2018 को रिलीज होंगी। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कॉमेंट और शेयर कीजिए। ऐसी ही और रोचक खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।